हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ यादव पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर करें। आज से हम मैथ्स की शार्ट ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहले प्रतिशत की मैथ्स की शार्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आती है तो कार्य की अवधि को कितना बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत या यथावत बनी रहे। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में कितने परसेंट, 25% कमी आती है तो कार्य की अवधि या कार्य की जो समय है उसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत या यथावत बनी रहे। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा, 25% की कमी किसके ऊपर, 25% की कमी सब के ऊपर 25% की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 25 कम हो जाएगा तो 100 में 75 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे 25% कमी हो रही है। कोई भी कार्य 100% होता है, 100% में अगर हम 25% कमी हो रही है तो 25% कमी होगी तो 75% बच जाएगा। तो 25/75 इंटू 100, 25 × 25, 25 × 75, तो ये बचा 100/3। अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे या भाग देंगे तो 33/1/3% इसका जो आंसर है वो 33/1/3% आएगा। तो हम कितना बढ़ाएं, तो कार्य की अवधि को कितना बढ़ाएं कि उसके उत्पादन में या उसके जो उत्पादन में वो यथावत बनी रही, तो कार्य की अवधि को हमें 33/1/3% बढ़ाना होगा। ये हमारे परसेंटेज ट्रिक्स का सेकंड एग्जाम्पल है। इसके पहले हमने कमी वाले क्वेश्चन को देखा था, ये क्वेश्चन वृद्धि वाली क्वेश्चन है। किसी कारखाने में श्रमिकों की अधिकता की वजह से उसके उत्पादन में 25% वृद्धि आती है तो उसके कार्य की अवधि को कितना कमी किया जाए कि उसके जो उत्पादन है वो पूर्ववत बनी रहे या यथावत बनी रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, श्रमिकों की अधिकता के कारण उसके उत्पादन में जो है वो 25% की वृद्धि हो रही है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसके कार्य की अवधि को कितना कम किया जाए कि उसकी जो उत्पादन है वो यथावत बने रहेगी। यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है, 100 में अगर 25% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 में अगर 25% की वृद्धि हो रही है तो ये 125% हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो 100% पर ही करते हैं। 100 में अगर 25% की वृद्धि हो जाती है तब ये कहाँ पहुँच जाती है, 125% तक पहुँच जाती है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 25% वृद्धि हो रही है इसी कारण ये 125% पहुँच जाती है। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट, 25% की वृद्धि से कितना हुआ, 125, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 के साथ गुणा कर देंगे, 25 × 25, 25 × 25, 125, 100/5, 100/5। अगर हम इसको काटेंगे तो 100/5 हो जाएगा। अब इसको फिर से 5 को या 100 को 5 से भाग देंगे तब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तब आ जाएगा 20%। अगर 100 को 5 से भाग दे देंगे तब जाके 20% बच जाता है। तो ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि कार्य की अवधि को कितना कमी किया जाए, तो कार्य की अवधि को कितना कमी किया जाए कि उसके उत्पादन पूर्ववत या यथावत बनी रहे, तो हमको उसके कार्य की अवधि को 20% कमी करनी पड़ेगी तभी जाके उसकी जो उत्पादन है वो पूर्ववत या यथावत रहेगी। 20% की कमी, इसकी जो कार्य की समय है या कार्य की जो अवधि है वो हमको 20% की कमी करनी पड़ेगी तभी जाके उसके उत्पादन पूर्ववत या यथावत बनी रहेगी। इस प्रकार से आज हमने प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।